हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। आपने अभी देखा होगा केरल में एक हाथी के साथ किस तरह से बदतर व्यवहार किया गया उससे, क्या बोला है इसके बारे में, यानी कि इंसानियत शायद इससे ज्यादा कहीं नहीं गिर सकती है। ठीक है, कोई भी कारण कोई भी रहा हो, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। आप कई जगह देखते हैं कि जानवरों को किस तरह से पीटा जाता है, कई किस तरह से मारा जाता है। तो याद रखिए आप, ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। इस आर्टिकल को लिखा गया है अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा, एक पर्यावरणविद है। तो देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया कई तरह की खबरों से विचलित हुई है। इनमें सबसे बड़ा मसला पर्यावरण से जुड़ा रहा है। इस दौरान आर्थिक और कुदरत से जुड़ी आपदाओं से भी हमारा वास्ता पड़ा है, जिनको अंततः प्रकृति के अतिक्रमण से जोड़कर ही देखा गया। आप समझते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि टाइगर आपके शहरों में घूम रहा है। तो कहते हैं कि टाइगरों ने हमारे आवासों को छीन रहा है, यानी कि हमें परेशान करने के लिए हो रहे हैं। सोचिए कि उनके आवास को हमने छीना है, इसलिए वो हमारे आवास तक आ पहुंचेंगे। अगर उनकी आवास से छेड़छाड़ ना की जाती तो शायद वो अपने आवास छोड़कर दूसरी जगह नहा जाते। समझ सकते हैं आप, पिछले कुछ समय की घटनाओं का यदि हम लोग विश्लेषण करें तो अब नए मिजाज के साथ हर वर्ष तूफान आ रहा है जो जमकर तबाही मचाते हैं। अभी अम्फान से हुई तबाही के निशान मिटे भी ना थे कि निसर्ग तूफान का सामना हमें करना पड़ा है। इतना ही नहीं, पिछले 2-3 दशक में हमने कई बीमारियों के नाम भी पहली बार सुने। इसमें आपकी बर्ड फ्लू हो गई, स्वाइन फ्लू हो गई, इबोला, और अब आप लोग जिससे जूझ रहे हैं कोरोना जैसे महारोग। मनुष्य मनुष्य द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को ना समझ पाने के कारण ही पनपे हैं। साफ है कि हम प्रकृति को समझने में पूरी तरह विफल रहे हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि हम जब पर्यावरण की जिंदगी से खेलते हैं, यानी कि पर्यावरण से खेलते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब वो हमारी जिंदगी से खेलना शुरू करती है तो किसी लायक भी नहीं छोड़ती है। और वैसी का ये परिणाम है आपका कि आप सामने देख रहे हैं कि एक कोरोना हमारे वाल से भी कई गुना छोटा है, फिर भी उसने हमारी औकात दिला दी कि हम क्या हैं। प्रकृति को, यानी कि आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप उसकी मदद मत करिएगा, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ भी मत करिएगा। वो इतनी काबिल है कि वो अपनी भरपूर्ति, यानी कि जो भी उसमें कमी होती है वो पूर्ति कर सकती है। और आपने देखा होगा महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य दिया था, ऐसे भी आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, निबंध लिख रहे हैं, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहां भी लिख सकते हैं कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे लालच को कभी नहीं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक खेत में हमारे लिए काफी अनाज हो रहा है, हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन हम जब लालच करने लगते हैं तो पूरे जंगल के जंगल साफ कर देते हैं, फिर भी हमारी लालच पूरी नहीं होती है। तो लालची व्यक्तियों के लिए धरती बहुत कम पड़ जाएगी, समझ सकते हैं। और फिर आपने अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, तो उसमें बताया गया कि प्रकृति जितना साल भर में पैदा करती है उतना हम 7 से 8 महीने में खत्म कर देते हैं, यानी कि हमारे अंदर संतुष्टि नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आपके पास एक सेब है तो उसी में संतुष्ट रहिए ना, 10 सेबों की जरूरत क्या है आपको। इसे अपनी पर्सनल जिंदगी में भी जोड़ सकते हैं कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो उसी में संतुष्ट रहिए। अब आपके पास हैं 10 रुपये और आप सपने देख रहे हैं एक 10 लाख के, तो इसमें आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक संतुष्टि ना हो जीवन में तब तक सुख कभी नहीं मिलता है। चलिए छोड़िए ये बात, आप लोग तो समझदार हैं। के लिए दरअसल हमने अपने जीवन चक्र में कभी इस बात को महत्व ही नहीं दिया कि हर तरह की हलचल प्रकृति से जुड़ी हुई है। पहले बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं दशक भर अपना बड़ा असर डालती थी, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में तो मानो ये रोजाना ही घटनाओं का हिस्सा बन चुकी है। उल्लेखनीय है कि यह भी है कि
कि आज का समाज धीरे धीरे इनसे ना जूझ पाने की स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये अब होने वाले ये आक्रमण सर्वव्यापी और कहीं ज़्यादा असरकारी है। हमने कभी भी उस पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश ही नहीं की जिससे प्रकृति और पृथ्वी जुड़ी हुई है। हमने एक ही तंत्र को दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, वह है आर्थिक तंत्र। इसी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए हमने विज्ञान की हर पहल झोंक दी ताकि आराम मतलब का हमारा जीवन बना रहे, यानी कि हम आराम भरी जिंदगी जीवन बना रहे। इतना ही नहीं, इस दरमियान परिस्थिति की तंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा मनुष्य ने अपने कब्जे में रखा। पिछले 2-3 दशकों से दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जिस प्रजाति की बड़ी है वह हम लोग हैं, यानी कि मनुष्य ही है। पहले पारिस्थितिक तंत्र किसी भी प्रजाति की संख्या तय करती थी, लेकिन जब से मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं दुनिया में उसकी संख्या तेजी से बढ़ती गई। आदर्श विषाणु कीटाणु की बात यहाँ इसलिए महत्व नहीं है पूर्ण नहीं है क्योंकि वे हमेशा गौण स्थिति में रहे और किसी छेड़छाड़ के बाद अपनी संख्या का प्रदर्शन कर पाते हैं। मनुष्य की अपने लिए जुटाने की भावना और अन्य जीवों को ना समझने की मूर्खता का भी कहीं नतीजा है कि आज हम एक बड़े और अनोखे संकट में फंसे हुए हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी हमारी जो समझदारी होती है वो धरी की धरी रह जाती है, और आप समझते हैं कि तकरीबन लगभग लगभग सभी लोग आजकल इसी गलत फहमी में जी रहे हैं कि उससे बड़ा समझदार कोई दूसरा नहीं है। मैं बार बार इस शब्द का यूज करता रहता हूँ, इसलिए बोलता रहता हूँ कि आप किसी भी को अगर किसी की आँख मतलब किसी की पीठ में आप छुरा भी घूम देंगे परोसे पर तो आप सोचेंगे वो तो पागल है सामने वाला। समझ सकते हैं, मतलब हम खुद को अपने इतने ऊपर ले जाए कि हमें नीचे के सब लोग तुच्छ लगने लगे। भरोसे इस तरह के जो भी शब्द होते हैं कि हम दूसरे को अगर झूठ भी बोल देते हैं तो सोचते हैं कि हम समझदार हैं, वो बेवकूफ है। हो सकता है वो ना बोला हो, उसे पता हो तुम्हारी औकात, फिर भी वो ना कुछ बोल पाया हो। तो ऐसा मत सोचा करिएगा, इसी गलत फहमी में हम लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर हमें हम कौन। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर आज तक हमने करीब 41% उभयचर प्रजातियों को गवा दिया है। इतना ही नहीं, समुद्री जीवों को भी खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा दुनिया की 10% भी कीट प्रजातियों अब हमारे बीच नहीं है। हमने समुद्र से भी 33% कोरल लीफ को इस दुनिया से दूर कर दिया। इसी तरह हमने करीब 90% फसलों की प्रजातियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 16वीं शताब्दी से आज तक 9% पालतू जानवरों की प्रजातियां भी अब हमारे साथ नहीं है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक हम सभी तरह की करीब 80 लाख प्रजातियों को खो चुके हैं। अभी तक लगभग 10 लाख खत्म होने के कगार पर अभी भी है। ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह हमने अपनी चारों तरफ प्रकृति के अन्य जीवों को दुनिया से विदा कर दिया। ऐसा लगता है कि हम अपनी बनाई मुसीबतों के साथ दुनिया में अकेले रह गए। और आप लोग एक बात भी समझ लीजिए कि अगर जीव सब जीव खत्म हो जाते हैं तो हमारा भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपको मधुमक्खियों से जिस तरह शहद मिलता है, आप सोचिए कहाँ से मिलेगा शहद, हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है। सोचिए आपकी गाय खत्म हो जाए सब, तो दूध कहाँ से मिलेगा, घी कहाँ से मिलेगा, आप समझ सकते हैं। तो इतना जितना हमारे लिए प्रकृति जरूरी है उतना ही ये जीव भी जरूरी है। समुद्र का हाल भी हमने बुरा कर दिया है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार माना जाता है कि समुद्र कार्बन उत्सर्जन का 60% हिस्सा अवशोषित करते हैं, पर कार्बन उत्सर्जन के लगातार बढ़ने के कारण आज वहाँ भी 400 डेड ज़ोन बन चुके हैं। मतलब आज इनमें जीवन नहीं दिखाई देते। वेटलैंड यानी दलदली भूमि का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन पिछले 300 वर्षों में हमने दुनिया की 15% दलदली भूमि गवा दी है। औद्योगिक क्रांति के बाद वन में भी 68% घट गए।
बनवी जो आपके हैं ये 68% घट गए, और वर्ष 1992 से 2000 के बीच लाखों हेक्टर वन को अपनी जरूरतों के चलते हमने स्वाहा कर दिया। इसके बदले में हम वन लगाने की हमारी पहल लगभग शून्य के बराबर है। एक बात और आप समझ सकते हैं कि चलिए आप सब काम चला लेंगे, मान सकते हैं आपकी महानता है, क्या सांस कहाँ से लाओगे, ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? अगर इस तरह से पेड़ खत्म करते गए तो जब सांस ही नहीं रहेगी हमारे पास तो जीने का क्या मतलब रहेगा? कुछ टाइम में चले बसेंगे। तो हम अगर एक पेड़ काट रहे हैं, दो पेड़ काट रहे हैं, तो एक तो लगा दीजिए कम से कम। असल में मानव ने कभी यह सोचा ही नहीं कि अन्य जीव जंतु जो प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किए हैं उनका भी संतुलन में योगदान है। आज भी हमारा जीवन अगर प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित है तो शायद अन्य जीवों के कारण है। आज कोरोना की महामारी ने सबको यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वाह किया जाना चाहिए। हमें दरअसल उनसे पूरी तरह से विमुख हो गए थे, इसलिए हम आज एक ऐसे मोड़ पर आ गए जहाँ इसी प्रकृति का एक अंश आदर्श रूप में हमारे बीच में आया और हमें यह सबक सिखा गया कि अन्य जीव भी दृश्य या फिर आदर्श होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ सीधा सा मतलब आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप पर कोई भरोसा करता है आंख बंद करके, ठीक है? होता है, देखिए भरोसे के बिना कुछ नहीं चलता है इस दुनिया में। अगर हम सोचें कि भरोसा ना रहे और दुनिया चले तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल, लेकिन जिस दिन भरोसा इस धरती से उठ गया और इंसानियत चली गई उस दिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी भी भरोसा कायम है, इंसानियत अभी भी कायम है। तो कोई आप पर भरोसा करता है और कुएं में उतरता है, आपको डोरी पकड़े हुए हो, तो आप पर भरोसा है तभी तो वो नीचे उतर रहा है आपको डोरी पकड़ा कर। आप अगर छोड़ दें तो क्या होगा? समझ सकते हैं कि आपने भरोसा तोड़ दिया ना, उसका तो भरोसा आप पर था। तो इसी तरह आप पर यह भी निर्भर करता है कि आप प्रकृति को बनाए रखते हैं या मिटा देते हैं, यानी कि आपका कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा करें, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार ना करें। प्रकृति के साथ प्रकृति के संदेश को समझ लें और यह स्वीकार कर लें कि पृथ्वी मात्र मनुष्य की नहीं है बल्कि सबकी है। सबकी बात और सबका साथ नारा अपनाने की जरूरत है। यह नारा सिर्फ मनुष्य और उसके विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें उन तमाम जीवों से जोड़कर देखे जाने की पहल करनी होगी जिन्हें प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किया है। यह सब करने के बाद ही हम शायद इस पृथ्वी पर सुरक्षित रह सकेंगे, प्रकृति के कहर से स्वयं को बचा पाएंगे हम। तो समझ सकते हैं आप लोग ये स्थिति है आपकी। याद रखिए हमसे आपसे पहले भी कई महाराजा हुए, राजा हुए, हमारी औकात उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो भी चल बसे। और दौलत में भी आपने देखा होगा कई महल पड़े हुए हैं। तो इंसान बनकर रहिए और आपने देखा होगा पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि आपको जागरूक कर सकें। 5 जून को मनाया जाता है ना, आज का आज 5 जून ही तो है, तो आज के दिन इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि इस धरती को समझें, प्रकृति को समझें। तो समझिए वरना चलना तो सबको ही एक दिन।